कि जहां से चुनाव लड़ेंगे केजरीवाल, डॉक्टर मुनीश वहीं से ठोकेंगे ताल। इसलिए नई दिल्ली विधानसभा AC नंबर 4040 से हम लोग अपनी कैंपेनिंग अभी से चालू कर ही चुके हैं। एक मिनट, मैं पार्टी पे आ रहा हूँ, बस एक सवाल का जवाब हो दीजिए आप, क्योंकि उस कोर टीम के मेंबर रहे हैं। कई लोगों का कहना है, जो पुराने लोग उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि 2019 का लोकसभा चुनाव अन्ना जी लड़वाना चाहते थे, पार्टी बनाते सारी चीज़ें। इसमें कितनी सच्चाई है अन्ना जी ही बता पाएंगे। फंडामेंटली स्पीकिंग अन्ना जी पार्टी लेस डेमोक्रेसी के फेवर में, पार्टी लेस यानी कि दल विहीन लोकतंत्र। कहीं राज्यसभा के मूड में तो नहीं थी, जैसे कुमार भाई का दिल उनके ठेस पहुंची है, वैसे आपको ठेस पहुंची है जब पार्टी की विरोधी ने सारी गतिविधियां हुई या मतलब ये कह लीजिए आवाज उठानी शुरू हुई। हम तो लाइन में ही नहीं थे कभी। अच्छा, इसलिए तो आज सच्चे खड़े हैं। भ्रष्टाचारियों को सीधी ललकार, बदल के रहेंगे दिल्ली सरकार। तो हम यहाँ पे भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ऐसा बताया गया। अन्ना का सपना अधूरा, भारतीय लिबरल पार्टी करेगी पूरा। फंडामेंटल अपने वादे हैं, 11 वादे 3 इरादे। इससे बड़ी त्रासदी आप कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ आपको केशव जी, कि दिल्ली का जो मॉडल है प्लानिंग के माध्यम से सिटी मॉडल, वो ही अभी तक ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। दिल्ली वासियों से विनम्र निवेदन है कि मैं सब अपना छोड़ छाड़ के एक जिद के साथ वापस आया हूँ कि अन्ना का सपना करेंगे पूरा, यानी कि भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे और दिल्ली के विकास को फुली कमिटेड है। इसलिए मैंने अपनी जॉब तक छोड़ दी। यहाँ भी मुझे हॉस्पिटल से ऑफर आते हैं। अगर कोई दल आपसे हाथ मिलाना चाहे आगामी चुनावों में तो उसका स्वागत है। हम लोग फुली कमिटेड हैं अपनी पॉलिटिक्स, यानी बाद में चलाऊंगा मैं काट के जी, बिल्कुल। हम किसी से समझौता करने नहीं आए, इसलिए अगर हमें समझौता करना तो हम पॉलिटिकल पार्टी ही ज्वाइन कर लेते, कोई ना कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। चंद महीने बाद दिल्ली की राजनीति एक बार फिर गर्म होगी, फिर भाराही होगा और चुनाव हमें देखने को मिलेंगे। ये चुनाव इसलिए खास हैं क्योंकि इसमें बीजेपी बड़ी दमखम के साथ जुटी हुई है और हर हालत में जीतना चाहती है। इसके साथ ही लंबे वक्त से वनवास काट रही कांग्रेस भी अपनी सत्ता हासिल करने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रही हैं, मगर सबके सर का दर्द बनी हुई और सत्ता में विराजित आम आदमी पार्टी एक बार फिर से इतिहास बनाने को तैयार है। इन सब के बीच जो हैरान और परेशान करने वाली बात है कि जो एक पार्टी बड़ी तेज़ी के साथ उभर रही है, भारतीय लिबरल पार्टी, वो इन चुनावों में 70 विधानसभा पे चुनाव लड़ने का दावा ठोक चुकी है। इसके साथ ही पार्टी के अध्यक्ष मुनीश रायजादा ने ये साफ कर दिया है कि वो आगामी जो चुनाव लड़ेंगे वो केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे। इसके बाद एक बार फिर से ये सियासत गर्म होती दिख रही है। ऐसे में इन सब के बीच हमारे साथ रायजादा आप खुद मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ 15 पे। थैंक्स सर। ये शुरुआत से शुरू करना चाहता था इंटरव्यू तो, मगर जैसे हमने केजरीवाल को देखा, शुरुआत में उन्होंने पार्टी बनाई और वो आए, तो आप भी बड़े उनकी तरह साधारण लग रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि आपकी जो शर्ट है वो प्रेस हुई हुई है, उनकी प्रेस नहीं हुई हुई थी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं अन्ना आंदोलन का व्यक्ति हूँ। विश्वसनीयता या क्रेडिबिलिटी इन मक्कारों से, झूठे फरेबी लोगों से कहीं ज़्यादा है। वो मैं इसलिए कि हम ये कहते हैं कि सत्ता तुम्हारे साथ है, सत्ता तुम्हारे साथ है, सिद्धांत हमारे साथ। हमारे मीन्स हमारे जैसे अनेकों दुनिया भर के लोग जो अन्ना आंदोलन, जिसको आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी कहते हैं, उस वक़्त जन लोकपाल बिल की आकांक्षा लेके आए थे। मैं अमेरिका से आया था, शिकागो में प्रैक्टिस करता था। आपके बारे में बताता मैंने मुझे, हाँ, तो मैं उस वक्त शिकागो में मेडिकल डॉक्टर था। मैं 2002 में USA चला गया था, 2011 में मैं वापस आया अपने देश के लिए। और मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे कई अनगिनत, अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप से लेकर कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर से लेकर शिकागो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहाँ से नहीं लोग आए। सब अपने मोटिवेशन के आए थे, उनको लगा देश बदलेगा। उसके बाद व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर एक पार्टी बनाई गई और उसके बाद पिछले 10 सालों में जो दिल्ली के साथ खिलवाड़, धोखाधड़ी हुई, हम इसलिए विश्वसनीय लोग हैं क्योंकि हम तब भी सिद्धांतों पे अड़े रहे। जैसे मैंने कहा, सत्ता तुम्हारे साथ है, सिद्धांत हमारे साथ है। तो हम यहाँ पे भारतीय लिबरल पार्टी के माध्यम से 70 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और हमारी तैयारी चल रही है पिछले 8 महीने से। डेली कैंपेनिंग होती है, नई दिल्ली विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूंगा, हमारी ललकार ये है। भ्रष्टाचारियों को सीधी ललकार, बदल के रहेंगे दिल्ली सरकार। एवं भारतीय लिबरल पार्टी का ये कहना है कि जहाँ से चुनाव लड़ेंगे केजरीवाल, डॉक्टर मुनीश वहीं से ठोकेंगे ताल। इसलिए नई दिल्ली विधानसभा एसी नंबर 440 से हम लोग अपनी कैंपेनिंग अभी से चालू कर ही चुके हैं। और हमारे पास कहने को वही है, क्योंकि हम सच्चे लोग हैं। सच्चे मीन्स जो आंदोलन के माध्यम से, आंदोलनकारी जील के साथ बदलाव के लिए आए थे, और हम पिछले 12-13 सालों में बदले नहीं, अमेरिका से सब छोड़ के। इसलिए इस जिद के साथ आए हैं कि सत्ता परिवर्तन तो करेंगे, साथ में व्यवस्था परिवर्तन अब हम करके दिखाएंगे। अन्ना का सपना अधूरा भारतीय लिबरल पार्टी करेगी पूरा। डॉक्टर साहब, बोलना तो धीरे धीरे ज़बरदस्त तरीके से आप राजनीति में उतर ही रहे हो। आप तो लंबे साथी रहे हो केजरीवाल के, अन्ना आंदोलन से जुड़े रहे हो, और कई नीतियों में, आपने विदेश नीतियों में आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करा और इतनी ज़बरदस्त तरह से वो आवाज़ बुलंद करी। ये ऐसा क्या कुछ होता है, कुमार विश्वास ले लीजिए, उसके बाद आशुतोष जी ले लीजिए, योगेंद्र की बात करें, ये सब छोड़ छोड़ कर जाते हैं। आप सबने एक सपना संजोया और वो जब सपना टूटता है तो कितना दुख होता है। एग्जैक्टली देखिए क्या था कि व्यवस्था परिवर्तन का एक एंगल, एक 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 ड्रीम लोगों को बताया गया। आम आदमी पार्टी केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ऐसा बताया गया। हम तो आंदोलन वाले झील में हैं, हम तो आंदोलन के माध्यम से आए हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी मांग ही नहीं, मेरी जिद है। और सत्ता में आते ही अरविंद केजरीवाल ने क्या शुरू किया, जितेंद्र तोमर की फेक डिग्री को, लॉ मिनिस्टर बने थे जितेंद्र तोमर की फेक डिग्री को, उनकी एडवोकेसी शुरू कर दी कि नहीं मैंने चेक किया सब ठीक है। शीश महल बना लिया, प्रधानमंत्री बनने की लालसा। दिल्ली वालों के लिए क्या किया, दिल्ली के लोगों ने पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ आपको 2015 में 67 सीटें दी, 2020 में आपको 62 सीटें दी। लेकिन पिछले 10 सालों में झूठ बोल के छली गई तू, झूठ बोल के छली गई तू, दली गई तू, मली गई तू। झूठ का जिसने पीटा ढोल, खोल दे उसकी पोल, बोल रहे दिल्ली बोल। ये कैलाश खेर की मधुर आवाज़ में ट्रांसपेरेंसी वेब सीरीज़, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता के कुछ चंद पंक्तियां हैं, आपके दर्शक सुने उनको, यूट्यूब पे अवेलेबल है। बोल रहे दिल्ली बोल सॉन्ग से ये दिल्ली की हालत को बयां करता है। मुझे लगता है कि एक बहुत गोल्डन मौका था अच्छा कुछ करने का, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी लालच, संकुचित सोच एवं जो लैक ऑफ विज़न एंड लैक ऑफ कमिटमेंट की वजह से दिल्ली का बेड़ा गर्क किया, आंदोलन की हत्या की। और ईमानदार आदमियों का, सुनिएगा ये शब्द, ईमानदार आदमियों के लिए अच्छी पॉलिटिक्स करने की रास्ता कठिन बना दिया उसने। हमने आसपास के प्रदेशों में देखा वो दलित फैक्टर चल जाता है और वोट ठीक ठाक बटोर भी लेती है, मगर जब हम दिल्ली और राजधानी की बात करते हैं तो यहाँ तो शुरुआत से दलित वोट बैंक को लेके, क्योंकि ना तो हमने मायावती का कुछ होता हुआ देखा, ना चंद्रशेखर आज़ाद का कुछ होता हुआ देखा। आपकी पहली, आपने जो घोषणा की कि आपको दलित मुख्यमंत्री चाहते हैं, तो ये दिल्ली वालों को, आपको लगता है कि दिल्ली वाले इसे समझेंगे और ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी आपकी? बिल्कुल, दिल्ली में अगर आप डीपली जाएंगे जनता के बीच में तो दलित इश्यूज बिल्कुल वैसे ही है जो उत्तर प्रदेश में है, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में है, हरियाणा में, राजस्थान में। जो दलितों के प्रति जो भेदभाव है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आता है मार्टिन लूथर किंग के सोशल जस्टिस की लड़ाई से। मैं अमेरिका में 22 साल मैंने प्रैक्टिस की है, मेडिकल डॉक्टर, न्यूबॉर्न बेबीज़ का डॉक्टर हूँ मैं। वहाँ पर भी सेग्रीगेशन बड़ा एक्यूट है। सेग्रीगेशन मीन्स कि ब्लैक्स अपनी अलग इलाकों में रहते हैं एंड वाइट्स अलग इलाकों में रहते हैं। यद्यपि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए इक्वालिटी दिखाता है, इक्वालिटी या समानता, लेकिन फिर भी वो भेदभाव दिखता है आपको। मार्टिन लूथर किंग की जो लड़ाई है, बड़े वहाँ पे इज्जत के साथ, बड़े रेफरेंस के साथ, वहाँ पे लोग बड़ी शिद्दत के साथ उनकी पूजा करते हैं, आइकॉनिक फिगर है। मैंने ब्लैक एरियाज़ के हॉस्पिटल में भी काम किया हुआ है, ऐसे इलाकों में जहाँ वाइट्स डोमिनेंस है वहाँ भी काम किया हुआ है। तो मैंने वो देखा जो नस्लवाद है, रंग भेद, और यहाँ पे अपने देश में जाति के नाम पे, वर्ण व्यवस्था के नाम पे जो शोषण, वंचित समाज को शोषित किया गया, उनके प्रति भेदभाव। एक अमीर भी कोई दलित होगा, एक रिच रिसोर्सफुल, उसके प्रति भी वो दलित वाला रवैया। तो इन सब चीज़ों को देख के मैं भी पीड़ा होती है मुझे। और दलित इकोसिस्टम दिल्ली में भी बड़ा वाइब्रेंट है केशव जी, दिल्ली में भी, लेकिन कोई जाके उनसे पूछे तो सही उनके दुख दर्द, तो सब फ्लैशी सब जब देखता है तो हमें लगता है कि दलित मुद्दे यहाँ नहीं हैं। आप दलित इलाकों में जाइए, दलित मंदिर्स में जाइए, वाल्मीकि बस्तियों में जाइए, वहाँ जाके जब आप उनसे बात करेंगे तो उनकी पीड़ा वहाँ भी झलक के आती है। लेकिन उसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, उनका विश्वास पाना पड़ेगा। मायावती और ये जो बाकी लोग नहीं आ पाए, मुझे लगता है कि वो, देखिए मायावती तो खुद करप्ट हो गई हैं। मायावती जिस बैकग्राउंड से आई थी, दलित चैंपियन जो काशीराम जी ने, मान्यवर काशीराम जी ने जो बिल्डअप किया था, जो नींव रखी थी साइकिलों पे घूम घूम के पूरे देश में, उसके बाद अंजाम क्या हुआ? एक दलित एक्टिविस्ट यानी कि मायावती इतनी बड़ी एसेट्स इकट्ठी कर लें कि उनकी पर्सनल वेल्थ का जो टैक्स था वो भी करोड़ों में जाता था। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब विरोधाभास है। आप क्या अमीर होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप अमीर कैसे हुए वो प्रॉब्लम। ये दिल्ली चुनाव में बनते बनते रिश्ते खराब तो नहीं कर रहे आप अपनी ऐसी बातें बोल के? देखिए आपको लगता है शायद हम पॉलिटिक्स करने आए हैं, हम पॉलिटिक्स से की बजाय सिद्धांतों के लिए आए हैं। नहीं तो 22 साल की अपनी प्रैक्टिस छोड़ के यहाँ पे मैं गली और कूचों में घूमता हूँ, तो मुझे लगता है कि हम सिद्धांतों को पहले तवज्जो देते हैं, पॉलिटिकल जो इक्वेशंस हैं वो सेकेंडरी बन जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर मायावती आज अच्छा कर देती तो दलित सीएम दिल्ली में पहले ही बन जाता। ये अब मुनीश एक अच्छा खासी डॉक्टर, विदेश में बढ़िया कमा रहे हैं, बढ़िया परिवार, शान और शौकत, और ये सारी चीज़ें छोड़ के आज वो गलियों में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, ऐसी जगह भी जाते हैं जहाँ उन्होंने कभी कल्पना नहीं करी होगी भूतकाल में बैठ के कि जहाँ उन्हें घूमना पड़ रहा है, जिन लोगों से मिलना पड़ रहा है। ऐसी वो कौन सी चीज़ें जो इतनी प्रेरणा देती? देखिए मैं जब अपने आप को पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे हमेशा ये लगता था, जैसे मैंने MBBS किया, मेडिकल कॉलेज से बाहर निकले, प्रैक्टिस में आए, जनता के बीच में, एज ए पेशेंट्स आप जनता के बीच में ही होते हैं, आपका संपर्क होता है। तो मुझे लगता था कि जो बदलाव, बड़ा बदलाव अच्छी नीतियों के माध्यम से ही आ सकता है। आज हम अमेरिका में हम प्रैक्टिस करते हैं तो बड़ा अच्छा सिस्टम्स बने हुए हैं, सब कुछ ठीक है, आपको अपना बस मेहनत करनी है, बाकी सिस्टम आपकी चिंता करेगा, मतलब सिस्टम विल टेक केयर ऑफ यू। अपने यहाँ पे जो शब्द है राजनीति, संस्कृत का शब्द है, राज्य की नीति कैसी हो, तो वास्तव में पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छा माध्यम है एंड बड़े बदलाव का एक वाहक हो सकता है। तो मैं हमेशा ही मानता था कि बड़े बदलाव करने हैं तो आपको राजनीति में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा गांधीयन फिलॉसफी, विनोबा भावे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, ये मेरे प्रेरणा स्रोत है, इंस्पायर्ड फील करता हूँ इनसे। तो मुझे लगता था कि अपने व्यक्तिगत हितों को, व्यक्तिगत नीड्स को साइड पे रख के कुछ अपने देश में लोकतंत्र को अपग्रेड करना है तो आपको पॉलिटिक्स में सीधा हिस्सेदारी दिखानी पड़ेगी। अन्ना आंदोलन हमने देखा इतना ज़बरदस्त तरह से जो बदलाव आया और आम आदमी पार्टी सत्ता में आई और हिलने को तैयार नहीं है। लगातार तमाम कोशिशें बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है कि वनवास उनका खत्म हो। कहीं ना कहीं आप पे आरोप लगते हैं कि आप तो बीजेपी के आदमी हो, केजरीवाल का वोट बैंक काटने आए हो। देखिए यदि पहला तो यह है कि बीजेपी कभी भी एक दलित मुख्यमंत्री एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाँ तो दलित राज्यपाल बनते हैं या सीधा राष्ट्रपति बनते हैं। एग्जैक्टली। दूसरा दलित, हमने ये भी अनाउंस किया कि हम डिप्टी सीएम एक मुस्लिम को भी बनाएंगे, ओबीसी एवं एक मुस्लिम पासमानदा समाज से। बीजेपी तो मुसलमानों को टिकट ही नहीं देती, तो हम बीजेपी के बी टीम कैसे हो सकते हैं? हमारी जो पॉलिटिक्स है वो बीजेपी से 360 डिग्री अपार्ट है। सेकेंडली मैं 22 सालों के बाद अमेरिका का अपना जॉब करियर छोड़ के यहाँ पे आकर किसी पार्टी के लिए बैटिंग करने आया हूँ, तो इससे बड़ी तो कोई मतलब दुख की बात हो ही नहीं सकती। और यदि मुझे बैटिंग ही करनी होती किसी पार्टी के लिए तो मैं उस पार्टी को ही ज्वाइन कर लूँगा। अपने एक बार केजरीवाल का थोड़ा सा समझाइए, आप तो इतना लंबा समय, कब मुलाकात हुई आपकी केजरीवाल से? केजरीवाल को मैं, आपका दिल्ली आना कैसे हुआ? जी केजरीवाल को मैं अन्ना आंदोलन से जानता हूँ। ठीक है। और जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो हमने USA में बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। शिकागो में काफ़ी इंडियंस हैं, डेवॉन स्ट्रीट है, डेवन स्ट्रीट, वहाँ पे काफ़ी तादाद में हिंदुस्तानी दुकानें भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, फिर हिंदुस्तानी दुकानें हैं, 15 अगस्त 2012 में हमने बहुत वहाँ पे एक्टिव उस दिन रोड शो भी निकाला अन्ना आंदोलन के नाम पे, आईएसी के नाम पे। लगता था कि बदलाव आएगा, इंस्पायर्ड हुए मेरे जैसे अनेकों अनेकों लोग। मतलब विदेश में बैठा भारतीय ये सारी चीज़ें मतलब सोचता, देखता है, मतलब ऑब्जर्व करता है क्लोजली हमेशा। ये मैं आपको मतलब बताता हूँ। इनफैक्ट एक इंडियन जब बाहर जाता है, एक वो सेटल हो जाए, तो देश के प्रति जो इसके मन में लगाव, पीड़ा एवं उत्साह होता है वो देखने लायक होता है, क्योंकि वो वहाँ पे डिस्टेंस से एक तो उसमें समभाव आ जाता है, जिसको बोलते हैं कि डिस्पैशनेटली चीज़ों को देखना। यहाँ की छोटी मोटी जो बायसेस माइंड में होते हैं, रीजनलिज्म, जाति का फ़र्क, भाषा का फ़र्क, इन चीज़ों से उभर जाता है आदमी। वहाँ पे उसको इंडियन दिखता है, वहाँ पे एक दूसरा इंडियन उसको इंडियन दिखता है। यहाँ पे अपने को क्या दिखता है कि कौन सी जाति से है, कौन सी भाषा बोलता है वो, आप समझते हैं ना। तो वो सब चीज़ें ऊपर उठ के वो देश के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि अपन कल्चरली हम ऐसा मानते हैं कि भारत हमारी माता है। वो फीलिंग वहाँ जाके, और फिर समय भी होता है उसके पास, देश के लिए ललक होती है। तो अन्ना आंदोलन में जो सपोर्ट इंडियंस को मतलब अपने देश में एनावाइज ने दिया बाहर बैठ के, वो अनपैरेलल्ड है, मतलब ज़बरदस्त। एंड फिर जब पार्टी बनी तो मैं आया यहाँ पे, मैंने पार्टी इमीडिएटली ज्वाइन। आपको बुलाया मतलब फ़ोन पे, टेलीफोन हम टच में थे, बातचीत करते थे, कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई हमने। फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने पार्टी ज्वाइन की, पार्टी में मुझे पद भी मिले, अगले 3 साल मुझे पद मिले। हमने तो पीक पे छोड़ा है पार्टी को, विरोध करके छोड़ा है, क्योंकि हम सिद्धांतिक। छोड़ा नहीं, आपको निकाला गया, निलंबित किया। जब हमने विरोध किया तो उनके पास कोई बेसिस तो था नहीं। तो क्या एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, एंटी पार्टी एक्टिविटी, एक वही शब्द होता है जिसके बेसिस पे अपनी नाकामी छुपा सके। तो उन्होंने कहा जी हम आपको एंटी, क्योंकि हमने lokpal.us बनाया। ये भी ध्यान दीजिए, हमने कहा कि हम जितने भी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी वॉलंटियर ड्रिवन पार्टी थी, लोग अपने अपने लेवल पे आए थे मदद करने, पैसा लेते नहीं थे बल्कि पार्टी में पैसा तन मन धन से। तो हमने कहा लोकपाल, क्योंकि जब ये भटकने लगे, जब इनकी बेईमानी हमें तभी से दिखने लगी, तो मैंने सबको आह्वान किया कि लोकपाल एक ग्रुप बनाते हैं अपन। वो कौन कौन थे उस ग्रुप में अगर बताएं? उसमें मयंक गांधी से लेके कुमार विश्वास से लेके सब लोगों की सपोर्ट थी। जो मतलब जिन जो जो लोग छोड़ के गए या जिन जिन लोगों ने जो उस वक्त आपके साथ आए ना खुश थे पार्टी से, ठीक है। हमने कहा कि lokpal.us, यानी कि हम है पार्टी के कस्टोडियंस। हम मीन्स सब अन्ना भक्त, अन्ना जैसे लोग, या अन्ना, क्योंकि आंदोलन की झील क्या थी, टैगलाइन, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना। सिर्फ अन्ना थोड़ी है देश के लिए हितैषी, हम भी अन्ना ही हैं। तो हमने कहा कि हम तो वही अन्ना वाले मोड में आएंगे, हम तो जिद के साथ कहेंगे कि आप भटक चुके हैं, भटकना बंद करो, तो उद्देश्यों से एंड अपनी ईमानदारी से। जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो आपकी केजरीवाल से भी बात चल रही थी, मतलब आप जब आवाज़ उठाते तो उसके बाद फिर आप बता रहे हैं आप उनके आवाज़ पे भी गए, क्योंकि मैं सचिवालय में भी तो बैठता था ना, एज ए हेल्थ मिनिस्टर को एडवाइज़र। केजरीवाल के साथ मेरी सीधी एक्सेस थी, तो मैं जाता भी था, मैं उनको बोलता था कि जितेंद्र तोमर की डिग्री पर आप क्यों स्टैंड लिया आपने, ये ठीक नहीं है। फिर हॉस्पिटल्स बनाने, इन्होंने हॉस्पिटल्स के लिए बड़ी बड़ी स्कीमें निकाली, वो आगे नहीं बढ़ी, तो मैं हेल्थ के रूप में एडवाइस करता था। फिर चंदा छुपाया इन्होंने, क्योंकि मेरा सैद्धांतिक विरोध था। हमने कहा हमारे पेट भरे हुए हैं, अमेरिका से मैं यहाँ पे छुटपुट राजनीति करने नहीं आया। हम जितना स्ट्रॉन्ग अपने आइडियोलॉजिकली हम स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे, उतना ही हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी और आम आदमी पार्टी एक वाहक बन जाएगी देश में बदलाव का। उसके लिए आपको मूल्यों में टिकना पड़ेगा। तो जब हमने ये कहा कि आप चंदा क्यों हटाया आपने, आपको चंदा हटाने, चंदा क्योंकि पब्लिक से जो डोनेशन मिलती थी आपको पता है कि वो वेबसाइट पे दिखाई जाती थी आम आदमी पार्टी, तो हमने कहा कि आप ये मत हटाइए। लेकिन सत्ता का खुमार था उन पर, सत्ता का उन पर भूत सवार था। तो हमने कहा कि लोकपाल बनाएंगे, हम लोकपाल एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें आम आदमी पार्टी का ही वॉलंटियर कहेगा कि हम हैं कस्टोडियंस, हम हैं पार्टी के लोकपाल, यानी कि पार्टी के सिद्धांतों के लोकपाल। तो इनको क्यों पसंद आनी थी। फिर लालू को जाके इन्होंने गले मिल लिए। हमने कहा लालू को आप गले मिलने आए हैं, आप तो लालू के गरी आते थे, कभी आते। तो विरोध किया तो इनको भाया नहीं, इन्होंने कहा हम आपको निलंबित कर देंगे। मैंने कहा निलंबन तो बहुत छोटी बात है। फिर हमने गीता ज्ञापन देने गए। आज जो शीश महल आप देखते हैं वो पहले एक आम सरकारी क्वार्टर होता था, मुख्यमंत्री का आवास। हम वहाँ पर गए, मैं अकेला नहीं था, 20-25 लोग थे। उसमें जयनाथ मिश्रा 77 ईयर्स ओल्ड एनआरआई लंदन के अप्रवासी भारतीय, उन्होंने भी अन्ना आंदोलन के समय एवं आम आदमी पार्टी की मदद की थी वॉलंटियर के रूप में, तो वो मेरे साथ वो भी गए। केजरीवाल हमसे मिलने नहीं आ पाए क्योंकि झूठ के पावनी होते और झूठा आदमी सच्चे व्यक्ति को 77 ईयर्स जयनाथ मिश्रा जी क्या लेने आए थे देश से, ये बताइए। जो व्यक्ति 21 साल की उम्र में लंदन चला गया हो, 21 साल की उम्र में, और 50 सालों बाद वो देश के लिए कुछ करने आया, वो क्या ले लेगा आपसे? क्या पद उसके लिए क्या महत्व रखता है? वो तो टिकट मांगने भी नहीं आए थे, वो तो पद मांगने नहीं आए थे। तो जब ऐसा सच्चा व्यक्ति केजरीवाल से मिलने गया तो केजरीवाल की हिम्मत नहीं हुई कि हमसे आके वो गीता ज्ञापन के प्रतिस्वरूप गीता श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक हमसे ले लें। हम आपकी तस्वीरें दो देखते हैं सोशल मीडिया पे, एक तो आपका यूट्यूब चैनल जब देखते हैं तो आप शिकागो में बैठे हुए देखते हैं और आपका पीछे से वॉइस ओवर चलता है, बड़ा सुकून सा मिलता है। दूसरी तस्वीर आती है आप एक तंग गली में दिल्ली की ही घूम रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं जहाँ पानी ओवरफ्लो है, कूड़ा पड़ा हुआ है। तो दिल्ली का ऐसे दिल्ली वासी, दिल्ली के नागरिक, जैसे मैं अपनी बात ही करूँ तो हम लोग ये आकलन नहीं कर पा रहे, हमें लग रहा है इसमें कुछ ना कुछ लाभ है आपका, आप निस्वार्थ नहीं आए हो। हाँ, लाभ ये होगा कि अपने देश की हालत सुधरे, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैंने 22-23 साल यूएसए में बिताए। मैं आपको एक बात गारंटी से बता सकता हूँ, इंडियंस जैसे टैलेंटेड लोग, मेहनती लोग, उद्यमी लोग एवं सिंसियर लोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे दुनिया में। अपन लोग जहाँ भी जाते हैं वी डू वेल, एक्सेल करते अपने कामों में, क्योंकि हमारा जो वैल्यू सिस्टम हमें सिखाया जाता है बचपन से, पढ़ाई पे ध्यान, मेहनत पे ध्यान एंड गुड वैल्यू सिस्टम अपने देश में दिया जाता है, फैमिली सिस्टम। तो मैं चाहता हूँ कि जब हम सब लोग इतने अच्छे हैं एज ए सोसाइटी, तो हमें एक ही चीज़ फेल करती है इस देश में, बाकी कोई कमी नहीं है अपने देश में, एक ही सिस्टम, एक ही चीज़ फेल करती है, वो लगातार फेल किए जा रही है पिछले 78 ईयर, वो है पॉलिटिक्स। गुरुदास ने ठीक बोला था कि व्हेन द गवर्नमेंट स्लीप्स इंडिया राइजेस। गवर्नमेंट यहाँ ऑब्स्टेकल है अपने देश में, अगर आज अपने देश के लोगों के लिए एक रुकावट है तो वो गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑब्स्ट्रक्ट करती है आपके। आपको लगता है केंद्र की गवर्नमेंट सही काम कर रही है? पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की फंडामेंटली बहुत तगड़ी आवश्यकता है इस वक्त। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आप लेके आइए ताकि आप जैसा एक नवयुवक पॉलिटिक्स में एक गर्व के साथ हिस्सा ले सके। आप कितने युवाओं को टिकट दे रहे हैं इस बार विधानसभा? 20% सीटें महिलाओं को दिए 70 सीटों में से, एंड सभी जो हमारे बाकी कैंडिडेट होंगे वो अक्सर 25 से लेके 45 साल की एज में होंगे। ये पार्टी का मतलब ये थॉट कैसा था, कौन कौन मिला, कैसे मतलब थॉट आया कि अभी पार्टी बनानी चाहिए और मतलब अब खुद आवाज़ उठानी चाहिए? आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पार्टीबाजी करनी होती है, हम 2014-15 में बना लेते हैं, लेकिन वहाँ से बैठे बैठे मन नहीं लगता था। हमें लगता कि अन्ना आंदोलन का जो सपना था वो तो पीछे छूट गया। अन्ना जी कहाँ है, मतलब अब बात होती है उनसे? अन्ना जी से मैं अभी जस्ट 6 महीने पहले मिल के आया हूँ। अच्छा। फरवरी 2024। देखिए अन्ना जी बात होती होगी, जाहिर सी बात है। हाँ, 10-12 साल अब वृद्ध हो चुके हैं, जब आपने अन्ना जी को तब देखा था। अभी वो उतने एक्टिव नहीं है जितना कि देश भर घूम सके, तड़फ उनके मन में अभी भी है, क्योंकि विज़न तो अभी भी वहीं की वहीं है, वो चीज़ें आगे बढ़ी नहीं, तड़फ है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ के प्रति वो भी है कि देखो एक बहुत बड़ा सपना था वो चंद चीज़ों की वजह से पीछे रह गया। तो ये है। एक ना मैं पार्टी पे आ रहा हूँ, बस एक सवाल और दीजिए, इसका जवाब और दीजिए आप, क्योंकि उस कोर टीम के मेम्बर रहे हैं। कई लोगों का कहना है, जो पुराने लोग उस आंदोलन से जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि 2019 का लोकसभा चुनाव अन्ना जी लड़वाना चाहते थे, पार्टी बना के, ये सारी चीज़ें। इसमें कितनी सच्चाई है ये अन्ना जी ही बता पाएंगे, मैं इस पे ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा। आप उनके साथ ही रहे हो आप जी। फंडामेंटली स्पीकिंग अन्ना जी पार्टी लेस डेमोक्रेसी के फेवर में थे, पार्टी लेस यानी कि दल विहीन लोकतंत्र, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। ये जो मतलब केजरीवाल पे दुनिया भर के आरोप अब बीजेपी लगा रही है, अब तो एक कांग्रेस लगा रही है, अब आप भी उसमें शामिल हो गए, तो पहले तो केजरीवाल जी बड़े अच्छे लगते थे सबके लिए, मतलब ठीक थे, जब गठबंधन हो गया था जब भी बहुत ठीक थे। आपको ऐसा लगता है कि मतलब कोई और पीछे से इन सारी चीज़ों को करा रहा है, मतलब केजरीवाल जी कर रहे हैं, या आपको लगता है कि केजरीवाल जी पूरी तरह ही मॉनिटर करते हैं, मतलब जैसा वो दिखा रहे हैं उसी तरह से हमें तस्वीरें दिख रही हैं, या इसके पीछे कुछ और मांगते हैं? क्योंकि जैसे बीच में खालिस्तानी फैक्टर कुमार विश्वास ने बोला और भी दुनिया भर के आरोप लगे। आम आदमी पार्टी की दुर्घटना और जो एक पाखंड वाली राजनीति जो करके दिखाई है इन्होंने, लोगों के साथ छल कपट, धोखाधड़ी एवं गवर्नेंस एंगल से भी जो टोटल इनका फेलियर और डिजास्टर है, उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है अरविंद केजरीवाल, कोई और नहीं। क्योंकि बाकी जो अच्छे लोग थे वो तो हटा दिए गए। अरविंद केजरीवाल एक नायक के रूप में जो उभर के आए थे, वो वास्तव में सच्ची तस्वीर थी ही नहीं। क्या होता है कि जब एक सैलाब आता है ना, तो सैलाब में आप कहाँ से बह के कहाँ पहुँच जाएंगे ये आपके हाथ में होता ही नहीं। एक आंदोलन की आड़ में ये वहाँ बैठा दिए गए डेस्टिनी मेकर, भाग्य विधाता। तो लोगों को लगा कि भाग्य विधाता है, वो वास्तव में ना तो उनका सोच थी उसमें। और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ क्योंकि मैं अरविंद को जानता हूँ, न तो उस लेवल की सोच थी, न उस लेवल का चिंतन था, न उस लेवल का कंडक्ट अरविंद में था, न उस लेवल की इंटीग्रिटी एवं करैक्टर। नहीं तो जब जिस दिन ईडी ने पकड़ा तो एक इंटीग्रिटी वाला व्यक्ति कहता कि मैं आज इस्तीफा दे रहा हूँ, सच के साथ तब के निकल के आऊँगा, वापस जनता को बताए कि आप मुझे बैठाएंगे इस सीट पे। अब क्या है, मैं जनता के पास ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट लेने जा रहा हूँ। छद्म एंड डीप स्टेट का इनके पीछे पूरा हाथ है, डीप स्टेट का। आप भी कहीं राज्यसभा के मूड में तो नहीं थे? जैसे कुमार भाई का दिल उनके वो ठेस पहुंची है, वैसे आपको ठेस पहुंची है जब पार्टी की विरोधी में सारी गतिविधियां हुई, या मतलब ये कह लीजिए आवाज उठानी शुरू हुई? हम तो लाइन में ही नहीं थे कभी। अच्छा, इसलिए तो आज सच्चे खड़े हैं। ये पार्टी पे आते ना, ये पार्टी का बताइए ना, ये कैसे शुरुआत हुई, मतलब विदेश में बैठे बैठे कैसे भूमिका बनी, कौन कौन लोग थे, किन किन से बात हुई? भारतीय लिबरल पार्टी वास्तव में शुरू हुई थी 2019 में, मैंने नहीं बनाई। रमेश गुप्ता जी एक NRI हैं, डेलस टेक्सास बेस्ड, उन्होंने इसकी नींव रखी। पिछले 5 सालों में कुछ खास जब ग्राउंड पे काम हो नहीं पाया, संपर्क में हमेशा था, तो उन्होंने कहा कि आप इसको संभालिए। तो मुझे इसकी प्रेसिडेंसी अभी कुछ महीने पहले मिली है। सबसे पहले हमने अपनी पार्टी के लोगों को और अपने साथ जो जुड़े हुए लोगों को, उनको यही कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे एवं झूठ को हटाएंगे, वहाँ झूठ का सफाया होगा। इसलिए भारतीय लिबरल पार्टी पिछले लगभग 7-8 महीनों से नई दिल्ली एवं दिल्ली के बाकी अन्य क्षेत्रों में एक्टिव है। जनता के बीच में डेली जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राउंड कैंपेनिंग, एवं 3 फंडामेंटल अपने वादे हैं, 11 वादे 3 इरादे। पहला अपना इरादा है करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। एंटी करप्शन कमीशन, बड़ी अनोखी बात हमने कही है और जनता इसको पूरी शिद्दत के साथ लेगी। पार्टी सत्ता में आते ही दिल्ली में सबसे पहले ACC एंटी करप्शन कमीशन का गठन करेगी। उसके माध्यम से जितने भी दिल्ली में गवर्नेंस रिलेटेड फेलियर है, करप्शन के मामले हैं, नाकामयाबी के मामले हैं, काम ही नहीं होते, सड़कें साफ़ नहीं होती, टूटी फूटी सड़कें हैं, पानी की समस्या, जो भी दुनिया भर की समस्याएँ, एंटी करप्शन कमीशन उसको मॉनिटर करेगा एवं जो भी कल्प्रिट्स होंगे उनको बुक करके उनको सजा दिलवाएगा एवं काम को करवाएगा। सेकंड, सोशल जस्टिस की लड़ाई। सोशल जस्टिस की लड़ाई के माध्यम से हमने डिक्लेयर किया है, वो आपसे बात हो चुकी है। एंड थर्ड है गुड गवर्नेंस, विकास विकास विकास, यही अपना मुद्दा है। दिल्ली को प्रीवियस जो इसकी ग्लोरी है, इसका जो पुराना वो एक इसकी जो आभा थी, वो वापस लेके आएंगे। एंड सिर्फ एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे, भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करेंगे एवं गवर्नेंस के माध्यम से दिल्ली को चमकाएंगे। फिर से मुनीष साहब, एक ये ठीक है, ऐसे कंक्लूड करते हैं और ख़त्म भी करते हैं। ये जहाँ आप बैठो, मैं बैठा हूँ, करोल बाग और उसके आसपास देखें, गोलधारे में घूमते हैं तो बड़ी सुंदर सुंदर इमारतें और बड़ा सुंदर सा व्यू हमें दिखता है। गार्डन ले लीजिए या बंगलो ले लीजिए, सरकारी होटल ले लीजिए, मगर जैसे ही आप यमुना जी पार करेंगे तो वैसे ही पूरे हालात दिल्ली के बदल जाते हैं, दिल्ली किसी गाँव में तब्दील हो जाता है। और इन लोगों के लिए तो सदैव कुछ ना कुछ होता रहा क्योंकि सब धनी लोग इधर बैठे हुए हैं, कह लीजिए, मगर जमुना पार वालों के लिए कभी सोचा नहीं गया। दिल्ली की इससे बड़ी त्रासदी आप क्या कैसे मैं एक्सप्लेन करूं आपको केशव जी, कि दिल्ली का जो मॉडल है, यू नो, प्लानिंग के माध्यम से सिटी मॉडल, वो ही अभी तक ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। दिल्ली को वास्तव में शिकागो या न्यूयॉर्क जैसा बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। आप केजरीवाल वाली बातें कर रहे हैं, वो केजरीवाल जी वो तो बोलते थे, मक्कार लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, हम करना चाहते हैं, हम देश के लिए करना चाहते हैं। मैं आपको वोट क्यों दूं ऐसे दिल्ली वासी? दिल्ली वासियों से विनम्र निवेदन है कि मैं सब अपना छोड़ छाड़ के एक जिद के साथ वापस आया हूँ कि अन्ना का सपना करेंगे पूरा, यानी कि भ्रष्टाचार को का खात्मा करेंगे और दिल्ली के विकास को फुली कमिटेड है। इसलिए मैंने अपनी जॉब तक छोड़ दी। यहाँ भी मुझे हॉस्पिटल से ऑफर आते हैं कि आप हमारे यहाँ पे, क्योंकि मैं हूँ न्यूबॉर्न बेबीज़ का डॉक्टर, नियोनेटोलॉजिस्ट, अमेरिका से बोर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर हूँ, तो हमारे जैसे डॉक्टर्स भी बड़े चंद डॉक्टर्स हैं पूरे देश में। लेकिन मुझे लगता है कि देश की सेहत को ठीक किया जाए, इसलिए फुली कमिटेड है। आप जुटिए साथ में, दिल्ली को ट्रांसफॉर्म करके दिखाएंगे, गवर्नमेंट बनाने का मौका दीजिए। हमने कोरोना में बड़ा क्रिटिकल टाइम दिल्ली का देखा, आपको लगता है कि अगर उस समय ये दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल थे या केंद्र सरकार के उनके हालात दुरुस्त होते तो ऐसी सिचुएशन सामने नहीं आती? बिल्कुल, यदि दिल्ली पॉलिटिकल इनके सिस्टम ठीक होते तो जो अफरा तफरी मची वो होनी नहीं चाहिए थी। और सब लोग टैक्स देते हैं, एक गरीब आदमी भी टैक्स देता है, यानी कि सोते जागते हम गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे हैं। रिटर्न में क्या मिलता है? टूटी सड़कें। कोरोना काल में देखिए तबाही तबाही मच गई, ऑफिस में जाएं आप, काम नहीं होते। इसलिए एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है, विकास, गुड गवर्नेंस, सुशासन। अगर कोई दल आपसे हाथ मिलाना चाहे आगामी चुनावों में तो उसका स्वागत है। हम लोग फुली कमिटेड हैं अपनी पॉलिटिक्स, यानी कि बयान बाद में चलाऊंगा मैं काट के, तुम जी बिल्कुल, हम किसी से समझौता करने नहीं आए। इसलिए अगर हमें समझौता करना तो हम पॉलिटिकल पार्टी ही ज्वाइन कर लेते, कोई ना कोई। हमारे जैसे जो जिद्दी लोग हैं, हम चाहते हैं कि जनता फुल मैंडेट दे, एक बार हमें मौका दे। जो पिछले 10 सालों में खिलवाड़ हुआ है, तो आप देखेंगे कि हम क्वालिफाइड ज़्यादा हैं, देशभक्ति हमें ज़्यादा है, जिद भी है अच्छा करने के लिए, तो क्यों नहीं हमें मौका मिला जाए? इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किस गठबंधन की। केजरीवाल के खिलाफ चुनाव पहली बार में लड़ना, कहीं खामियाजा तो नहीं उठाना पड़ जाएगा इसका, या कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? अरविंद केजरीवाल का ग्राफ पहले ही नीचे जा चुका है, नैतिकता उनकी सबको एक्सपोज हो चुकी है। नई दिल्ली विधानसभा से हम अरविंद केजरीवाल को टक्कर देंगे, मुझे तो लगता है चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। बोल दो जमानत भी जब्त हो जाएगी, जमानत भी जब्त हो जाएगी, जमानत भी जब्त। आपकी वो संपर्क में है, कुमार भाई हो गए और ये सारे लोग ऐसे, तो इनको लाने के लिए कुछ कोशिश है? बिल्कुल, राइट टाइम पे आएंगे, वो आएंगे। अनंत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए, बहुत बहुत। तो मुनीश कुमार रायजादा साहब हमारे साथ थे, जिनकी आपने बात सुनी। आगामी चुनावों में ये आपको 70 विधानसभाओं पर लड़ते दिखाई देंगे, और जिस तरह की बेबाक अंदाज में इनकी बातें हैं, तो ये लिहाजा तय है कि हर दिल्लीवासी इनकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहा है। ऐसे में ये तो भविष्य निर्धारित करेगा कि रायजादा और लिबरल पार्टी का भविष्य क्या होता है। मगर हाँ, फिलहाल मौजूदा समय की बात करें तो ये आने वाले चुनाव में बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है।